अब हम पहुंच चुके हैं गाइस हरिद्वार में फाइनली, और हम यहां से ले रहे हैं ये कैन जिसमें हम गंगा जल अपने घर में भर कर लेके जाएंगे। तो दिखाते हैं आपको आगे का, जो हम वहां पर जो शायद अगर स्नान करेंगे तो पूरा दिखाएंगे आपको किस तरीके से रहता है हरिद्वार का। गाइस लेट हो गए हैं तो आप आते हुए नहीं देख पाओगे, बट हम आपको स्नान दिखा देंगे कि किस तरीके से हर की पैड़ी पर नज़ारा रहेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इस तरीके का एक मार्केट है यहाँ पे, जो आप अगर यहाँ पर आओगे तो आपको हर की पैड़ी से पहले आपको दुकानें शॉप्स मिल जाएगी। यहाँ पर ये गेट है और इस गेट से पहले आप देखेंगे तो कुछ दुकानें जहाँ पर ये पानी की बॉटल्स जिसमें आप गंगा जल भरकर अपने घर ले जा सकते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ना किसी यहाँ पर अगर आप आओगे दुकानों पर तो बहुत ही एक अलग टाइप की चीज़ें भी मिलेंगी। भैया क्या चीज़ें? आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अच्छा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। और बाकी रुद्राक्ष वगैरह जो भी जो पूजा के सामान या फिर जो भी भगवान से रिलेटेड होते हैं वो सब आपको इस तरीके की दुकानों में यहाँ पर मिल जाएंगे। भाई अभी ये हम मार्केट में आ गए हैं हरिद्वार के हर की पैड़ी पर, हम लोग अब लगातार जा रहे हैं। और गाइज अब हम आपको एक ऐसा नज़ारा दिखाने वाले हैं मेरे भाइयों, ये देखो कितना प्यारा नज़ारा है। आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे यार, मैं भी हो गया। ये देखो जय गंगा मैया की। ये देखो आप दर्शन कर लो गंगा मैया के। आपको हम एक लेटेस्ट और एक अपडेट दे दें कि हम लोग बहुत ज़्यादा टूर करते हैं, बट हम लोग आपको भगवान से रिलेटेड और या आप बोल सकते हैं कि रिलीजन से रिलेटेड वीडियोस अब लाने वाले हैं हम आगे के लिए। और गाइस ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा है इस टाइम पर। आप ये गंगा मैया को देख रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है इस टाइम पर। तो गाइस अभी हम आपको इसके बारे में और बताएंगे और डिटेल में वीडियो बनाएंगे, तो गाइस बने रहिए। ये देखिए गाइस, ये आप दर्शन कर सकते हैं गंगा माता के, जो हरिद्वार से हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। गाइस ये बहुत ही अद्भुत है, और ये रात के तकरीबन हम लोग 9 बजे ये वीडियो शूट कर रहे हैं। हम लोग आरती नहीं दिखा पाए क्योंकि हम लोग लेट पहुंचे थे, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। बट ये जो पानी है, इसका जो फ्लो है, ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना मनमोहक लग रहा है। हर की पैड़ी से हम लोग आपको ये वीडियो अभी और दिखाएंगे, क्योंकि हम किसी और घाट से हम आपको दिखा रहे हैं ये। और अब हम आपको आगे सीधे लिए चलेंगे हर की पैड़ी घाट पर, और वहां से आपको इस गंगा माता का हम पूरा वीडियो दिखाएंगे। गाइस सुंदर और कितना मनमोहक दर्शन आप कर रहे हैं इस समय गंगा माता का, और हम लोग यहाँ से हर की पैड़ी की तरफ जाते हुए, और अब आपको हम आगे दिखाएंगे कि हर की पैड़ी से इस तरीके से जो हमारी गंगा माता हमें दिखेंगी वो हम आपको वीडियो बनाकर आपको आपके मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये देखिए कितना पानी जो है लाइटों में कितना गोल्डन और कितनी अच्छी छटाएं बिखेर रहा है, और ये देखिए कितनी बड़ी और कितनी जो फ्लो है। गाइस मैं ये बता दूं आपको, पानी का फ्लो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा है, और अभी ठंड भी यहाँ पर बहुत है। अगर मैं आपको टेम्परेचर की बात करूँ तो यहाँ पे करंट टेम्परेचर अराउंड 19 डिग्री है, और अगर आप सोच सकते हो 19 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो फिर पानी का कितना टेम्परेचर होगा। पानी क्योंकि ये सीधा पानी ग्लेशियर से पिघल कर यहाँ पर आता है, तो आप देख सकते होंगे कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होगा यहाँ पर, और हम उसी ठंडे पानी में आज डुबकी लगाएंगे और आपको हम दर्शन भी करवाएंगे प्रॉपर। तो गाइस आई होप आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही होंगी, और हमारी जो वीडियोज़ हैं आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। गाइस प्लीज़ सपोर्ट अस, सपोर्ट आवर चैनल, एंड वी आर लाइक एवरी सिंगल डे वी आर मेकिंग अ न्यू कॉन्टेंट विच कैन एंटरटेन यू। जगमगाती हुई दुकानें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, जो कि मैंने शायद एक्सपेक्ट नहीं करा था कि रात को 9 बजे के बाद भी यहाँ पर इतनी चकाचौंध और इतनी सुंदर दुकानें यहाँ पर मुझे अवेलेबल मिलेंगी। यहाँ पर ये देखिए बॉटल्स भी बेच रहे हैं। अंदर जाते हुए हम इस साइड से जाएंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर मंदिर की एंट्री दी गई है और हमें जाना है हर की पैड़ी की तरफ। अभी देख सकते हैं मंदिर का भी नज़ारा जो है कितना ही सुंदर और कितना मनमोहक लग रहा है। हम जा रहे हैं लगातार हर की पैड़ी की तरफ, और ये देखिए गाइस यहाँ का मार्केट, लोकल मार्केट जगमगाता हुआ रात के बाद भी आप एक्सपेक्ट शायद नहीं कर सकते। गाइस हर की पैड़ी पर हम एंट्री लेते हुए, और ये देखिए कितना सुंदर और मनमोहक नज़ारा है। मैं आपको सीधा नीचे ले चल रहा हूँ इस टाइम पर, और बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइस यहाँ पर हर की पैड़ी का जो नज़ारा है आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कितना एक मनमोहक दृश्य बन रहा है। वहाँ पर देखिए सामने गंगा माता है, और ये सामने जो पूरा कंपाउंड है हर की पैड़ी का
ये यहाँ पर हम आपको दिखाते चल रहे हैं गाइस, एंड इट लुक्स सो डिफरेंट एंड सो ब्यूटीफुल। जय हो गंगे मैया। देखिए गाइस, अब हम जा रहे हैं हरकी पैड़ी के तरफ। एक बार प्लीज बोल दो यार, जय हो गंगे मैया की जय। उनके पत्थर से बनाया हुआ इतना शानदार जो टेंपल है, जो हमारा इतना प्यारा सुंदर, ये देखिए व्यू आ रहा है। और मैं बता रहा हूँ आपको गाइस कि हर की पैड़ी भी एक तरह से चेंज हो चुकी है, रेनोवेट हो चुकी है। और ये बहुत गर्व की बात है कि एक इतना सुंदर नज़ारा देखिए। देखिए गाइस, यहाँ पर आपको देखिए चिकित्सा केंद्र भी मिल जाएंगे अगर इनकेस अगर किसी को कोई तबीयत किसी की ख़राब होती है तो। ऊपर भगवा झंडे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब हम नीचे की तरफ जाते हुए गाइस गंगा माता के जो जो आशीर्वाद है उसे लेने के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और एक निर्मल जल हमें दिख रहा है, और शीतल जल दिख रहा है, और बहुत ही सुंदर नज़ारा गाइस। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया एक नज़ारा दिख रहा है यहाँ पर। ये देखिए गाइस, कितना सुंदर और कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ पर गाइस। और हम लोग ये देखिए, मैं पैर रख रहा हूँ गाइस, और ये यहाँ पर बहुत वाह। और ये गाइस मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा एक ठंडा है पानी, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये गंगा माता का पानी। ये एक्सक्लूसिवली हम आपको आज दिखा रहे हैं गंगा माता का पानी कि किस तरीके से ये यहाँ पर हम लोग हर की पैड़ी जो कि बहुत पवित्र मानी जाती है, और बताते हैं कि जो अमृत की बूंदें होती है वो यहीं पर ही गिरी थी स्वर्ग से, तो इस जो जल को बहुत पवित्र माना जाता है। ना गाइस, बहुत ही ठंडा पानी है हमारा ये देखिए। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं, आपने एक चीज नोट करी हो नहीं करी हो, लेकिन आपने देखा पानी कितना दूधिया कलर का दिख रहा है, जैसे कि दूधिया, जैसे कि एक तरह से ये दूध जैसा लग रहा है ये पानी। इसमें कोई ऐसे कोई मिलावट या फिर ऐसा कुछ नहीं लग रहा, ये एक तरह से पूरा दूध की तरह पानी है। ये बहुत ही सुंदर एक नज़ारा दिख रहा है गाइस, वेरी नाइस गाइस। आप प्लीज आशीर्वाद आप भी लीजिए गंगा माता का। और ये देखिए किस तरीके से इतना प्यारा नज़ारा आपके जो मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन है आप उस पर देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन गाइस। एंड अब हम यहाँ से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको जो स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये चेन दी गई है, इन केस अगर पानी का फ्लो ज़्यादा होता तो आप इस चेन को पकड़ के भी नहा सकते हैं या फिर डुबकी मार सकते हैं और अपने जो पाप हैं उनको धो सकते हैं। यहाँ पर देखिए इधर भी एक चेन दी गई है, और बहुत ही सुंदर एक नज़ारा है यहाँ पे, और बिल्कुल लाइट से जगमगाता हुआ बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़्यादा पवित्र ये एक स्थान बोला जाता है जो कि है हरिद्वार हर की पैड़ी। तो जी जय गंगे मैया की बोल के आप अब डुबकी लगाइए, चलिए। तो ये देखिए गाइस, हमने अभी गंगा मैया में डुबकी लगाई है और हमें बहुत ही एक अच्छा आनंद फील हुआ था अभी। और बताते हैं कि अगर आप यहाँ पर डुबकी 7 बार डुबकी मारते हैं हर की पैड़ी पे आके तो आपके पापों का एक तरह से नाश होता है। और साइड हो जा, और ये देखिएगा कि किस तरीके से ये जो दिए भी हैं यहाँ पर लोग प्रवाहित करते हैं गंगा मैया के अंदर, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइस। एंड बहुत ही एक दुर्लभ नज़ारा है एक तरह से कि हम लोग एक तरह से यहाँ पर इस हर की पैड़ी के अंदर जो है यहाँ पर पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं एक तरह से। तो गाइस इट इज़ लाइक वेरी ऑसम एंड लाइक यू नो एक फील गुड कराता है अगर आप यहाँ पर आते हैं तो। तो ये हमारे साथी ऋषिराज जी डुबकी मारते हुए, और ये देखिए डुबकी मार दो एक और बार, दर्शकों को दिखा दो, अरे पूरी डुबकी मारो क्या हुआ गाइस। पानी एक्चुअली में बहुत ठंडा है, और जो लोग हैं यहाँ पर इंजॉय भी कर रहे हैं और एक तरह से स्विमिंग भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वो सामने लोग कई स्विमिंग भी कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसका जो पानी है इस समय वो बहुत ज़्यादा चिल्ड है। चिल्ड इसलिए है क्योंकि ये एक तरह से पहाड़ों से पानी आता है गाइस, और ये एक जैसे बोलते हैं कि ग्लेशियर से सीधा पानी यहीं पर आता है। और ये गाइस आप देख सकते हैं कि हम आपको इस समय गंगा मैया के दर्शन
करा रहे हैं। ये देखिए गाइस, जय हो गंगा मैया की। ये देखिए गाइस, तो गाइस देखिए हमने आज आपको गंगा माता के भी दर्शन करा दिए हैं, और हम आपको इसी तरीके के जो वीडियोस हैं वो दिखाते रहेंगे, आज नहीं लगातार दिखाते रहेंगे, और आपको डिवोशनल वीडियोस भी हम आपको अपने चैनल पे दिखाएंगे। और जो भी हमारे जो अनदेखी चीजें हैं जो शायद कहीं मिस हो जाती हैं लोगों से, वो हम आपको अपने वीडियोस के जरिए दिखाएंगे, और आपको एक सुगम आपको अनुभव भी आपको प्राप्त होगा, और आप भी एक तरह से एक अच्छे एक पवित्र स्थानों के भी दर्शन कर सकते होंगे। तो गाइस आप प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको यहाँ पर ये व्लॉग के ज़रिए आकर कैसा लगा, और आपको भी अगर यहाँ पर आना हो तो आप वाया ट्रेन आ सकते हैं, यहाँ पर बस सर्विस भी है, एंड अगर आपको आना है तो यहाँ पर आप अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छे अरेंजमेंट हैं धर्मशाला के, या फिर आप देखेंगे मार्केट जैसे हमने आपको अभी दिखाया था, मार्केट भी यहाँ पर बहुत खूबसूरत। हाँ ठीक है, ले लीजिए आप भी आशीर्वाद इस गंगा माता का, और अपनी जिंदगी को सफल बनाइए, और अपने पापों का एक तरह से आप प्रायश्चित भी कर सकते हैं। गंगा माता में ही है वो शक्ति जो आपके पापों को भी धो सकती है, और यहाँ पर सिर्फ एक स्नान करने से आपके पाप और कष्ट धुल जाएंगे। तो गाइस एक बार जरूर आइएगा गंगा माता के पास, और माँ के पास आकर एक बार डुबकी जरूर लगाइए गाइस, बहुत ही एक पवित्र स्थान। ये देखिए गाइस क्या सुंदर नजारा है गंगे माता, यहाँ से आगे हर की पैड़ी पर जा रही है। आई होप आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर गाइस आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए बहुत एक अच्छे वीडियोस लेकर आते हैं, और आपको एक अनदेखी चीज से रूबरू करवाते हैं। और गाइस ये एक तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा आपके सामने, आपको शायद पानी की आवाज़ भी आ रही होगी, बहुत ही सुंदर नज़ारा गाइस आप देख सकते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर, सामने देख सकते हैं वो गंगा माता का पूरा वो पार्ट है, और ऊपर पुल बना हुआ है, और बहुत ही एक सुंदर नज़ारा है गाइस। अब हम वापस यहाँ से प्रस्थान करते हुए, और हम यहाँ से गंगा जल भी लेंगे, और गंगा जल को लेकर उसके बाद यहाँ से जाएंगे। हम अपने साथ लेकर जाएंगे अपने घर पर, और बताते हैं कि इससे सब कुछ शुद्ध हो जाता है, आप भी अपने घर पर जरूर लेकर आना। थैंक यू।